हम तो जहाँ माशाल्लाह बड़ी एक अच्छी लाइफ पहले गुजार रहे थे, अल्लाह ज़िंदगी दे इमरान खान को, साथ उसकी गवर्नमेंट को, उसने बहुत चीज़ें अच्छी तरह मैनेज की हुई थी, लेकिन जब से ये लोग आए हैं हम हैंड टू माउथ हो गए हैं। समटाइम्स ये होता है कि बाद में जब सीज़न हमारा एंड हुआ होता है, अब नया सीज़न आना होता है, उस टाइम भी हम सोच रहे होते हैं कि यार हम अपने एक्सपेंसेस कवर कैसे करेंगे। सर, वफाकी हुकूमत ने 7 रुपए 13 पैसे जो 200 यूनिट वाले को इजाफी टैक्स डाला था वो वापस लेने का फैसला किया, और उस समरी जो है वो नेपरा को भेज दी गई है। उनका ऑब्वियसली वो फैसला करेंगे और समरी वापस आएगी और उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप इससे खुश हैं? सर, खुश होना तो बनता है अगर इम्प्लीमेंट हो जाए, जो कि इम्प्लीमेंट होना बहुत मुश्किल है। अल्लाह करे इम्प्लीमेंट हो जाए, आगे देखें, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। हम कुछ कह नहीं सकते, बड़ी बार कहा जाता है, कहा कुछ जाता है और होता कुछ। सर, पहले भी कितनी बार कहा गया 200 यूनिट तक कुछ चार्ज नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं होंगे, फिर कहा गया जी वापस हो जाएगा। पेट्रोल भी 150 रुपये आ रहा था, थोड़ा सा दे के नीचे करके फिर लॉलीपॉप दे के और फिर उसको बढ़ा दिया जाता है। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर जो बंदे का वर्डिक्ट हो उसको ऑनर करना चाहिए। जो आपने एक बार कह दिया, जो हुकूमत एक कह रही है, तो उसको ऑनर करनी चाहिए अपनी बात। हुकूमत कह रही है हमने नेपरा को जो है ना वो समरी दी है, वो उसको जो है ना वो एक्नॉलेज करें, लेकिन शायद ये जो पढ़े लिखे नहीं है या जिनको पता नहीं है या जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके लिए ये लॉलीपॉप ही है। बिकॉज नेपरा समरी देती है वज़ीर आज़म को कि वो उसको पास करें, अथोराइज करें, ये तो उन्होंने रिवर्स ही कर दिया। और सेकेंड बात यह है कि अगर नेपरा ही अथॉरिटी है तो फिर वज़ीर आज़म किस चीज़ को पास करते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि जो 200 यूनिट वाली जो स्टोरी है, मैं इसको स्टोरी कहूँगा कि 200 यूनिट आज के ज़माने में कौन इस्तेमाल करता है। मतलब अगर आपके घर के अंदर एक पंखा है, एक फ्रिज होगा, गरीब से गरीब आदमी के पास है, मिडिल क्लास के पास भी है, अब तो खैर वो रही नहीं है, अब तो अपर मिडिल क्लास भी जो है ना वो उसमें लेवल भी जो है ना वो ख़त्म हो रहा, बट द फैक्ट इज़ किसी के पास फ्रिज है, टीवी है, पंखा है, वो तो 250 यूनिट, 210 यूनिट, 220 यूनिट से नीचे नहीं आ सकते। घर में रहते हैं, जाहिर बात है गर्मी हो रही है, अगर एसी नहीं है तो कूलर होगा, जो कूलर है वो कितना यूनिट कंज्यूम करता है, आप उसकी कैलकुलेशंस तो निकालें। मतलब लोगों को आज भी 200 यूनिट पे अटकाया हुआ है, कि कोई 300 यूनिट की लॉलीपॉप देता है, कोई 200 यूनिट की लॉलीपॉप देता है। फिर उसके बाद करंट सिनेरियोस में वो कहते हैं कि जी 200 यूनिट का बेस टैरिफ कम कर देते हैं, तो किसी को बेस टैरिफ की डेफिनेशन पता है? बेस टैरिफ में कम कर देंगे, टैक्सेशंस जो है ना वो आपकी 45% है, वो कहाँ जाएगी? मतलब एंड ऑफ द डे आप फ्यूल एडजस्टमेंट की मद के अंदर पिछले 5 महीनों से वो फ्यूल एडजस्टमेंट करे जा रहे हैं। फिर उसके बाद अभी मैं पिछले बिल के अंदर देख रहा था कि इनकम टैक्स भी आप जो है ना वो चार्ज कर रहे हैं। मैं फाइलर हूँ भाई, मेरा इनकम टैक्स आप क्यों चार्ज कर रहे हैं? आप टीवी फीस लेते हैं, आप रेडियो फीस लेते हैं, आप इनकम टैक्स भी चार्ज करने लगे, तो मतलब मैं ये केस को फिर फाइल करूँ अपने पास? FBR इसको एक्नॉलेज करेगा? क्या कोई समरी है? क्या इससे पहले कोई एक्नॉलेजमेंट दी गई? नहीं दी गई। आप इसे अंदाज़ा लगाएं कि मतलब मेरे खुद के घर का जो प्रीवियस हिस्ट्री आप पूरे साल की उठा लें, एंड नेवर कंज्यूम्ड मोर देन 300 यूनिट्स पूरे साल, 340 370 इस तरह का जो है ना मेरी कंजम्पशन थी, जिसके अंदर कंट्रोल्ड एसी मनूवरिंग है, मैं कूलर नहीं इस्तेमाल करता, मैं एसी करता हूँ। इस बार मेरा ओवर बिल आया, दैट्स लाइक इज इन 540 यूनिट्स लाहौर के अंदर, और आई वाज फ्रीकिंगली पे लाइक 34,000 एग्जैक्ट। मैं उसको चैलेंज भी नहीं कर सकता, बिकॉज आप जाएं वापडा के ऑफिस, आप वापडा के ऑफिस में हालात देखें। अब क्या है कि यह आम पब्लिक बता रही है कि हालात देखें, जो सिस्टम चलाते हैं क्या उनको नहीं पता कि जो ना हालात क्या हैं, वो चाह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं? क्या आप खुद मजबूर नहीं कर रहे हैं लोगों को जो है ना वो इस बात पर सोचें? या फिर मैं किसी पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ नहीं या फिर किसी के साथ नहीं, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू आर ऑलरेडी डूइंग मिस कमिटमेंट्स। क्या आपको पता है कि आप कह क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं? मतलब एक कहता है कि जी हम जो है ना कम करना चाहते हैं, वो एक मैं लॉलीपॉप अगेन रिपीट करूंगा कि हम नेपरा को समरी भेज रहे हैं। हु इज नेपरा? फाइनल अथॉरिटी इज यू, जस्ट टू राइट इट डाउन अ समरी एंड दैट्स गिव इट टू इट। यार नेपरा उसे एक्नॉलेज करेगा, नेपरा ने ऑटोमेटिकली उसको 2 रुपए 2.5 रुपए का लॉलीपॉप देकर जो है ना उसने कम कर देना, अभी अगले 15 दिन के अंदर फिर से बढ़ा देना। मतलब आप जितना, आप अगर पीछे की हिस्ट्री देखें तो आप जितना कम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप ऊपर लेकर आ जाते हैं। टैक्सेशन की मद में आप जो है ना वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, आप
टैरिफ में जो है ना वो बढ़े जा रहे हैं, बेस टैरिफ को अब मतलब बहाना बनाते हैं। आई डोंट नो व्हाट दे एक्चुअली वांट। वो गरीब को गरीब तर करे जा रहे हैं, अमीर अमीर तर हो जा रहा है, उसके पास एडजस्टमेंट्स हैं, रिबेट्स हैं, गरीब के पास क्या? कुछ भी नहीं। गरीब वो हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं, क्योंकि उन्हें वाकई नहीं पता कि उनका टैक्स कहाँ लग रहा है। नो वन नोज द डेफिनेशन। आप फिर ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हो रही है, टैक्सेशन का सिस्टम दफाज है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, होना चाहिए। आप जिस मुल्क में रहते हैं आपको वो टैक्स देना चाहिए, अच्छे होने के फैसिलिटेट भी तो करते हैं, आपको देना चाहिए, बट एटलीस्ट आपको फैसिलिटेशन तो दो ना। आपके पास प्रोजेक्ट्स क्या हैं? वो प्रोजेक्ट्स जो कि सिर्फ हवाओं में, वो प्रोजेक्ट्स जो कि कभी इम्प्लीमेंट होने नहीं है। आपके पास अथॉरिटी क्या है? ज़ीरो। क्या हमें नज़र नहीं आ रहा? क्या हम नहीं समझ रहे? क्या आप जिस बारे में बात कर रहे हैं या जो आप फैसिलिटेशन देने की बात कर रहे हैं, क्या वो हमें नज़र नहीं आ रही कि वो है भी या नहीं? ये टोटल बजट एक जोक है, मतलब इट्स लाइक इज इन के पता नहीं कब तक चलेगा, बट बस सुकून का सांस ही ले सकते हैं। इट्स अ साइलेंट साय, सुकून से मुराद ठंडी आई है, ना उम्मीदी नहीं है, ठंडी आई है। मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि मुझे शक नहीं, यकीन है कि इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारी आवाम भी खुशहाल होगी और हम इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में अपनी आँखों से देखेंगे। जी मैं आज यही न्यूज़ देख रहा था, अगर देखा जाए तो ये डिसीजन तो अच्छा है, एक्सपेक्टेड है कि ऐसा हो जाए, और वैसे भी अभी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उम्मीद है कि कुछ डिसीजन अच्छे होंगे, उम्मीद तो है कि ये अच्छा एक डिसीजन है, अगर हो जाए तो बेहतर है आवाम के लिए। जी टैक्स में ये देखा जाए ना कि जिस तरह से आम आवाम पे टैक्सेस इस बार थोड़े ज़्यादा ही हो गए हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा ना डिसीजन इस तरह से लिया जाए कि जो नॉर्मल या आम आवाम है उस पर थोड़ा सा हाथ हल्का रखा जाए, या जो थोड़े एलीट क्लास है या एक्टिव क्लास लोग हैं उन पर थोड़ा सा ये इम्प्लीमेंट किया जाए ना। हमेशा आम आवाम ही जो या तनख्वाहदार तबका है वही इसमें पिसता है, जो ऊपर लेवल के हैं वो इतना उस पर ये इफेक्ट नहीं करता। अगर इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए कि उन पर इफेक्ट करे तो फिर ज़्यादा बेहतर है। भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा इनका, आगे ज़िम्मेदार के इन्होंने पल्ले छोड़ा कुछ नहीं है। इस बार हमें बिजली के यूनिट बिल में 8000 यूनिट इजाफी डाले हुए, उसकी समझ नहीं आ रही किस चीज़ की। 8000 यूनिट? हाँ जी सर, 8000 यूनिट। एक मोटर ही है, बड़ी है, चलती है। 8000 यूनिट इन्होंने इजाफी डाले हुए हैं, वो उसका कौन देनदार है? इसका हम इस पर हमें क्या रिलीफ देंगे? इनसे अपने बाकी बंदे संभाले नहीं जा रहे, स्टॉक की इनसे संभाले नहीं जा रहे। 3200 रुपया यूरिया का रेट है, 6000 को बेकरी है, ठीक है, ऊपर से बिजली वाला बम्प इन्होंने हमारे सिर पे फोड़ दिया है। हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या हमें तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। हम तो जहाँ माशाल्लाह बड़ी एक अच्छी लाइफ पहले गुजार रहे थे, अल्लाह ज़िंदगी दे इमरान खान को, साथ उसकी गवर्नमेंट को, उसने बहुत चीज़ें अच्छी तरह मैनेज की हुई थी, लेकिन जब से ये लोग आए हैं हम हैंड टू माउथ हो गए हैं। समटाइम्स ये होता है कि बाद में जब सीज़न हमारा एंड हुआ होता है, अब नया सीज़न आना होता है, उस टाइम भी हम सोच रहे होते हैं कि यार हम अपने एक्सपेंसेस कवर कैसे करेंगे। ये हालात हुए पड़े हैं, तो ये बिजली ये क्या कर लेंगे? 5-7 हज़ार, 10 हज़ार से क्या फ़र्क पड़ना हमें? जो आपको बताया 8000 यूनिट, 8000 यूनिट का कौन देनदार है? आपने वो चेक किया है अपने मीटर को और वो जो यूनिट आए किया है? हमने सारा कुछ उनको हमने कंप्लेन किया, सारा कुछ किया, हमने बिल नहीं जमा कराया था, रोक दिया था हमने कि यार 8000 यूनिट, हम इतने बड़े जिम्मेदार नहीं है कि ना भाई हमारी कोई स्टील मिले चल रही है, हमारा कुछ ऐसा सिस्टम है कि हम वो पैसे ईजीली भर दें। हमने बिल रोके, हमने उनको कंप्लेन किया, डीओ से तारे तार गए, अब हमारी ट्यूबवेल बंद पड़ा हुआ है, अब उस पर जो हमें नुकसान होगा इसका कौन जिम्मेदार है? आपने उन्हें दिखाया नहीं कि जी आके आप देखें, हमारा मीटर चेक करें और ये अपना बिल चेक? हमने अप्लीकेशन दी हैं, हमने उस लाइन मैन को भी बुलाया, मीटर रीडर को भी बुलाया, आगे इनके ऑफिस भी गए हैं, कोई चक्कर नहीं, फिरौन बन के बैठे हुए हैं, कोई चक्कर ही नहीं, फिरौन बन के बैठे हुए हैं। भैया हम जैसा भाई बंदा क्या करे, मीडियोकर्स हैं, करेंगे खाएंगे। जब इन्होंने हमारे इस पे इन्होंने हमारे सर पे इतना बड़ा मिसाइल फेंक दिया तो हम आगे कैसे सरवाइव करेंगे? हमें तो समझ ही नहीं आ रही। हम तो सोच रहे हैं सारा कुछ सेल आउट करें, वाइंड अप करें और यहाँ से शिफ्ट करें, पूरी फैमिली हम शिफ्ट हो जाए। यानी कि आप सोच रहे हैं कि मुल्क छोड़ दिया जाए? बिल्कुल छोड़ दो, आइंदा आने वाले 3 सालों में मुल्क आपका ख़त्म है, जो जो साहब हैसियत हैं निकल जाएँ, बेहतर यही है। या ये मुल्क आपके बड़ों ने, हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियां देके हासिल किया हुआ, हम छोड़ के क्यों जाएं? भाई उन्होंने कुर्बानियां दी थी, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये भी इनके बुजुर्ग भी तो अंदर ही थे ना, इनको जब उस चीज़ का ख्याल नहीं, इन्होंने हमारे सांस लेने तक के पैसे हैं अभी, यहाँ कहाँ से भरेंगे भाई? आमदन है नहीं, कुछ है नहीं, क्या करेंगे? बेरोजगारी देखें आप कितनी है, यहाँ
कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं रहा, ये हमारा बुजुर्गों वाला मुल्क ही नहीं रहा, अब ये फिरौनों के हाथ में आ गया। सर आप और मैं क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? आप यहाँ खड़े हो के आप जाके किसी के खिलाफ कोई बात करें, सुबह टाइम टक करके आपके दरवाजे पे आ जाएगा, क्या करेंगे? अपनी हद तक बर्दाश्त होता है, जब आके आपके घर में आपकी इज्जत पमाल करेंगे वहाँ बंदे से चीज़ वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, फिर वहाँ आप क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं होना।